हेलो दोस्तों, ई डेरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क कलेक्शन सिस्टम्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम भारत के सबसे मशहूर मिल्क कलेक्शन सिस्टम आनंद पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। आनंद पैटर्न को अमूल पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम गुजरात के केरा डिस्ट्रिक्ट के आनंद टाउन के नाम पर रखा गया, जहाँ पर अमूल और एनडीडीबी के हेडक्वार्टर भी लोकेटेड हैं। इस पैटर्न का मुख्य उद्देश्य मिल्क प्रोड्यूसर को डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ जोड़ना और बीच के मिडलमैन को ख़त्म करना, जिससे किसानों और मिल्क प्रोड्यूसर को पूरा पूरा लाभ मिल सके। 1946 में ही इसकी शुरुआत होने लग चुकी थी। हालांकि उस समय रिसोर्सेज की थोड़ी कमी जरूर थी, लेकिन आज भी भारत देश में कोऑपरेटिव डेयरी डेवलपमेंट को मुख्य उदाहरण के रूप में जाना जाता है। इस सिस्टम को प्राइमरली मिल्क प्रोड्यूसर्स और अन्य किसान ही कंट्रोल करते हैं। आनंद पैटर्न दूध की प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग का एक इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव ढांचा है, जो कि प्रोड्यूसर्स, प्रोफेशनल्स और मैनेजमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। आनंद और अमूल पैटर्न में मुख्य रूप से तीन सिस्टम होते हैं, जिसे थ्री टायर सिस्टम भी कहा जाता है। ये तीन सिस्टम्स हैं विलेज लेवल सोसाइटीज़, डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनियन, स्टेट लेवल मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। अब बात करते हैं द विलेज लेवल सोसाइटीज़ की। इस लेवल में किसानों और मिल्क प्रोड्यूसर्स के द्वारा गांव में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं। इस सोसाइटी में कोई भी किसान अपना शेयर खरीद कर उसका मेंबर बन सकता है और सिर्फ सोसाइटी को दूध बेच सकता है। यह कोऑपरेटिव सोसाइटी सुपरवाइजर और मिल्क सप्लाई ऑफिसर की गाइडेंस के अनुसार बनाई जाती है। हर डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास अपना एक मिल्क कलेक्शन सेंटर होता है, जहाँ पर हर दिन दूध इकट्ठा होकर यूनियन डेयरी प्लांट्स तक पहुँचता है। कोऑपरेटिव के मेंबर्स में से सबसे ज़्यादा ईमानदार मेंबर को चेयरमैन बना दिया जाता है और मिल्क कलेक्शन सेंटर में काम करने के लिए कई स्टाफ भी रखे जाते हैं। ये स्टाफ सोसाइटी अपॉइंट करती है और यूनियन डेयरी प्लांट्स इन्हें ट्रेंड करते हैं। ये स्टाफ मुख्य रूप से सेक्रेटरी, मिल्क कलेक्टर्स, फैट और एस एन एफ टेस्टर, क्लर्क, अकाउंटेंट, इंसेमिनेटर के रूप में होते हैं। बाकी स्टाफ को हेल्पर्स के रूप में रखा जाता है। मिल्क प्रोड्यूसर्स की पेमेंट दूध के फैट, एस एन एफ और क्वालिटी के आधार पर दी जाती है। डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का साल भर में जो प्रॉफिट होता है, उसका लगभग 60-70% हिस्सा विलेज डेवलपमेंट वर्क जैसे रोड, डिस्पेंसरीज, स्कूल्स, लाइब्रेरी एक्सेट्रा में लगा दिया जाता है और लगभग 25% हिस्सा रिजर्व फंड में रखा जाता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर काम आ सके। और बाकी बचा हुआ 5% हिस्सा मिल्क कलेक्शन सेंटर के मेंटेनेंस पर खर्च किया जाता है। यूनियन अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बोनस के तौर पर सोसाइटी को देती है। डेयरी कोऑपरेटिव मेंबर्स जो सोसाइटी को दूध देते हैं, उसकी क्वांटिटी के आधार पर उन्हें बोनस मिलता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनियन की। यह लेवल डिस्ट्रिक्ट की सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को दर्शाता है। अलग अलग सोसाइटी से दूध इकट्ठा होकर डिस्ट्रिक्ट यूनियन तक पहुँचता है, जहाँ दूध की प्रोसेसिंग होती है और फ्लूड मिल्क और उनके प्रोडक्ट्स मार्केटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनियन की मजबूत नींव होती हैं। यूनियन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इनपुट्स और अन्य सर्विस प्रोवाइड करती है, जिससे विलेज लेवल पर मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। यह इनपुट के तौर पर मिल्क प्रोड्यूसर को पशुओं के लिए फीड, वेटनरी हेल्थ केयर और AI प्रोवाइड करती है, और साथ ही समय समय पर किसानों और कोऑपरेटिव मेंबर्स की ट्रेनिंग व एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है। हर 10 दिन में मिल्क प्रोड्यूसर्स और डेयरी कोऑपरेटिव्स के पास उनके दूध की पेमेंट पहुंच जाती है। मिल्क कलेक्शन सेंटर के कैंस, ट्रक्स की क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन भी यूनियन करवाती है। अब बात करते हैं स्टेट लेवल मिल्क फेडरेशन की। फ्लूड मिल्क और उनके प्रोडक्ट्स जैसे बटर, चीज़, घी, मिल्क पाउडर, पनीर एक्सेट्रा की मार्केटिंग करना स्टेट फेडरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
ट्रेड फेडरेशन यह भी ध्यान में रखता है कि अनहेल्थी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग ना हो। इसका मतलब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूमर की हेल्थ के नुकसानदायक ना हो। मिल्क कंज्यूमर्स की हेल्थ को सबसे ऊपर रखकर मार्केटिंग करना ही स्टेट फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य है। कई स्टेट फेडरेशन मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए फीड मैन्युफैक्चर भी करती हैं और साथ ही यूनियन और विलेज लेवल कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ को सपोर्ट भी करती हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और ई डेयरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों।